हैदराबाद और जेएनयू के बाद अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष ऋचा सिंह के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। आज राज्यसभा में भी ऋचा सिंह का मामला उठा। 8 अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसदों ने एक बयान जारी कर सरकार पर विश्वविद्यालयों के मामले में बेवजह दखल देने का आरोप लगाया है। इन सांसदों के सीधे निशाने पर हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी। देश भर में विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे छात्रों को निशाना बना रहे हैं जिनकी विचारधारा एबीवीपी से अलग है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी एबीवीपी की संरक्षक की तरह बर्ताव कर रही हैं। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि वो पूरे देश की मंत्री हैं, ना कि सिर्फ बीजेपी या आरएसएस की। अगर रोहित वेमुला और कन्हैया कुमार की तरह ऋचा सिंह को भी एबीवीपी की वजह से प्रताड़ित किया गया तो देश के छात्रों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये उस बयान का हिस्सा है जो 8 पार्टियों के सांसदों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष ऋचा सिंह के समर्थन में जारी किया है। इस चिट्ठी में सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी, सीपीआई सांसद डी राजा, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और जेडीयू सांसद केसी त्यागी के भी दस्तखत हैं। ऋचा सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष हैं। मार्च 2014 में ऋचा ने ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज के डीफिल में एडमिशन लिया था, लेकिन अब 2 साल बाद उन पर फर्जी तरीके से एडमिशन के आरोप लग रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ऋचा का आरोप है कि उन्हें अब इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के कैंपस में आने का विरोध किया था। विपक्षी दलों के नेता इस मामले में ऋचा के समर्थन में आ गए हैं। हैदराबाद, जेएनयू और मद्रास, चेन्नई के बाद अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने के लिए एचआरडी मिनिस्टर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और ओएसडी एक साजिश करने में लगे हुए हैं। हम राष्ट्रपति से अपील करते हैं, जो वहां के विजिटर हैं, किस मामले में दखल दें और जो ये शैक्षणिक दुरुपयोग के अड्डे बन गए हैं कैंपस, इसको साफ करने में वहां के वाइस चांसलर को हटाएं। ऋचा ने छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता था, जबकि बाकी की सभी सीटें एबीवीपी के खाते में गई थी। उस चुनाव में ऋचा से हारने वाले रजनीश सिंह ने ऋचा के दाखिले पर सवाल उठाए, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच बैठा दी। अभी तक जांच रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन के रवैये को देखते हुए ऋचा की कुर्सी और पढ़ाई दोनों खतरे में पड़ती दिख रही है। वहीं विपक्ष एकजुट होकर ऋचा के समर्थन में खड़ा हो गया है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है।